युवा कांग्रेस द्वारा धर्मशाला में डोर टू डोर अभियान का श्री गणेश किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी जगदेव गागा ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे पहले युवा कांग्रेस ने चलो पंचायत की ओर अभियान के तहत कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 1,26,000 घरों तक पहुँच बनाई है। उन्होंने कहा कि अब डोर टू डोर अभियान शुरू करके कांगड़ा के मतदाताओं को कांग्रेस की नीतियों व चुनावी घोषणा पत्र बारे अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में जिला स्तर पर रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गरीबी व बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि वोटों की राजनीति के लिए उन युवाओं को गद्दी समुदाय के मानने से इनकार करना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। आचरण के लिए जैसे कांगड़ा की नियुक्ति में आए युवा शक्ति, जीएसटी माननीय और किसान ऋण जो किसानों पर कर्जा है वो माफ़ करना और बेरोजगार के जो बड़े मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये हम जाकर सत्ता में आते हैं तो ये करते हैं। हमने आज डोर टू डोर कम्पेन लॉन्च की है। यूथ कांग्रेस के सभी साथी इस कम्पेन में डोर टू डोर घर घर जाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट वोट मांगे। उसके लिए हमने सभी पूरे प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर हमने कमेटी बनाई है। यूथ कांग्रेस के साथी हमारे डोर टू डोर चाहिए। 1,26,000 लोगों तक हमने पहुंच की है। डोर टू डोर हम गए हैं, उसका नाम था चलो पंचायत की ओर, जिसमें हमने किसानों की बात सुनी है, उनके उनकी जो प्रॉब्लम उनकी मुश्किलें वो सुनी है और वो हमने उसको घोषणा पत्र में भी समझ लिया। कोई गुटबाजी नहीं है, ये सर अफवाहें हैं। मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी है। आने वाले रिजल्ट में आप देखोगे अगर गुटबाजी होती ऐसी बात होती। आपने देखा होगा परसों पवन काजल जी आए हैं, अच्छी भीड़ थी, बहुत अच्छी भीड़ थी और मंडी में जब वो आश्रय दिया उनके लिए स्वागत के लिए लाखों लोग, हजारों लोग हमारे साथ थे, नौजवान सीनियर कांग्रेस सभी साथ में। ऐसा कोई बात दादा जी, आपका जो घोषणा पत्र जारी हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रुख बनाए हुए है, उसको आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस की तरफ से उस पर जो है कोई टिप्पणी वगैरह भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो लगातार जब से आपका घोषणा पत्र जारी हुआ है तब से हर कोई नेता, चाहे प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, हमलावर रुख बनाए हुए हैं। एक मिनट, इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपके घोषणा पत्र को राष्ट्र को तोड़ने वाला कहा गया है, राष्ट्र के लिए खतरनाक बताया गया है, ऐसा? ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश के लिए हमेशा बलिदान दिया और हमेशा राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। ये आरएसएस और बीजेपी वालों की सोच है राष्ट्र को तोड़ना, कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं है। हाँ, जिन्होंने कुछ किया नहीं वो तो ब्लेमिंग तो करेंगे, उनका हक बनता है तो हम पे ब्लेम करो, क्योंकि पिछले 5 साल उन्होंने जुमलेबाजी में और भाषणबाजी में निकाल दिया।